शादी क्यों नहीं की तूने अभी तक? मन तो बहुत है मेरा, पर कोई ऐसी टकराई नहीं जिसने चिंगारी दी हो। चल तू एक बात बता, अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, तू पहलवान कैसी बन गई? के मतलब है तेरा? लड़कियां जो पहलवान होती हैं उनके सिंग होते हैं? ये मतलब नहीं था मेरा। हमारी सोसाइटी में ये काम पहलवानी वगैरह लड़के करे हैं ना, लड़कियां तो के लड़कियां तो वैसे हैं जो खुट्टे से बढ़ने के लिए पैदा हुई हैं। इसी सोच को बदलने के लिए मैं पहलवान बनी। जानता है क्यों लड़ना पड़ता है मुझे लड़कों के साथ दंगल? क्योंकि ये जो तुम्हारी सोसाइटी है ना, इसमें आज भी लड़कियां घूंघट के पीछे जन्म ले हुए हैं और वहीं मर जावे हैं। तुम्हारी सोसाइटी को ये समझ नहीं आता कि बेटी जलाओगे तो बहू कहां से लाओगे? मेरे अब्बा को भी लड़का चाहिए था, पहलवान बनाना चाहते थे उसे, पर पैदा हो गई मैं और मैंने जन्म देती मेरी माँ गुजर गई। लेकिन मेरे अब्बा और उसे बहुत अलग है। उन्होंने मुझे बेटे जैसा पाला, पढ़ने दिल्ली भेजा, मेरे सपनों को अपना सपना समझा। चाहती तो मैं भी दिल्ली में रह सकती थी, पर मैं लौट आई। और तू देख लेना, जिस दिन मैंने मेडल जीता ना, पूरा हरियाणा अरफा के नाम से जाना जाएगा। तो मिस्टर संभल जाओ और अपनी मर्दानगी को अपने पास में ही रखो। समय बदल रहा है, अब तो बेटियां उठेंगी और ऐसे ऐसे धोबी पछाड़ मारेंगे कि चारों खाने चित्त हो जाओगे। क्या हंस रहा है? रानी लक्ष्मीबाई की याद दिला दी तन्ने। तू बाहर से मॉडर्न है पर अंदर से एकदम देसी। टच हो गया मैं।